भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने कोसली हलके व बादली हलके में जोरदार प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बादली हलके के लोगों में भारी निराशा थी। उनका कहना था कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा 5 साल में हलके में नहीं आए। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर ने पूरे हरियाणा में निष्पक्ष काम किया। बीजेपी के अंदर शामिल हुआ हूँ और मेरा बीजेपी के अंदर शामिल होने का एक औचित्य है, क्योंकि मैं इनकी विचारधारा से जो प्रभावित हुआ हूँ, मोदी जी की और खट्टर जी की। खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है, ईमानदारी का माहौल, हर आदमी उनको चाहने लगा है। नौकरियों की पारदर्शिता की बात हो, सही अन्य किसी कार्य का समानता की बात हो, गरीबों की बात हो, हर जगह समान विकास के कार्य करवाए। वोट जाएंगे तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, बस ये बात है। मानो कोई इन यहाँ कोई आता आला है, कोई पुल वाला है कोई, लेकिन पुल वाले की जो वोट है ये जाएगी प्रधानमंत्री के पास, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों देंगे आपको कमल की वोट, फूल वाले की क्यों देंगे, क्या कारण है? कारण ये है कि काम इसे ठीक कर है और जैसा सहूलियत से रहा है।